दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक मजेदार पहेली लेकर आए हैं। ऐसा पहेली है कि आपका दिमाग खराब हो सकता है, एकदम घुमावदार है भाई। और इस पहेली को हम मुनिका से पूछने वाले हैं, साथ में आप भी सुनते चलिएगा और इसका हल ढूंढने का प्रयास जरूर कीजिएगा। तो यहां पर मुनिका, पहेली को पहले समझो सही ढंग से। 20 रुपया है तुम्हारे पास, ठीक है? ठीक है। और उस 20 रुपया से 20 बर्तन खरीदना है। अब वो बर्तन कौन कौन सा होगा सुन लो, गिलास, कटोरी और साथ में चम्मच, जिसमें से एक गिलास का दाम है 4 रुपया, एक कटोरी का दाम है 50 पैसे और एक चम्मच का दाम है 25 पैसे, ठीक है? तो इस तरह से 20 रुपया पूरा पूरी खत्म भी हो जाना चाहिए और साथ में 20 बर्तन भी होना चाहिए। क्या कर पाएगी ऐसा? कैलकुलेशन करके देखते हैं। ठीक है, देखो वहाँ पर कॉपी पेन रखा हुआ है, जाओ करो, देखते हैं कर पाती कि नहीं कर पाती है। हम जानते हैं क्या होगा, ठीक है? जल्दी से। हुआ? हुआ? कितना देर लगेगा? हुआ? नहीं बन रहा है, हम जान रहे थे यही होगा। ठीक है दोस्तों, नहीं बना। लगभग 10 मिनट हो गया, 8 से 10 मिनट, फिर भी नहीं बना। चलिए देखते हैं क्या हुआ, क्या हो रहा है, कहे नहीं बन रहा है। इस तरह थोड़ा बनेगा, चलो क्यों नहीं बन रहा, क्या हो रहा है बताओ। कभी बर्तन ज़्यादा हो जाता है, कभी पैसा ज़्यादा हो जाता है। वही हालात आपके साथ भी हो रहा होगा, कभी पैसा बच जा रहा होगा तो कभी जो है सो घट जा रहा होगा, या फिर बर्तन बढ़ जा रहा होगा तो कभी घट जा रहा होगा। ठीक, यही हो रहा था ना। हाँ यही हो रहा है, बट हम एक हम गिलास को खरीद सकते हैं। एक गिलास कैसे कर दे, मतलब चार, ये चार से है ना, तो हम 5 गिलास को खरीद सकते हैं, मतलब एक ही बर्तन। अच्छा, एक ही बर्तन खरीदेगी तो 4 × 5 = 20 रुपया, तो 20 रुपया खत्म हुआ, तो 20 बर्तन कहाँ हुआ? वैसे वो इतना आसान है। ठीक है, जाओ जाओ, तू फेल हो गई, हटाओ। एक गिलास का दाम 4 रुपया, एक कटोरी का दाम 50 पैसे और एक चम्मच का दाम है 25 पैसे। वैसे कंडीशन में दोस्तों हम यहाँ पर जो है इसको सॉल्व करने के लिए हम एक इक्वेशन बनाएंगे, तभी संभव हो पाएगा। अदरवाइज आप सोचते रह जाइएगा, चलो भाई हम 3 गिलास खरीदते हैं 15 रुपया होगा, चलो हम 2 कटोरी खरीदते हैं इतना रुपया होगा, चलो हम 5 चम्मच खरीदते हैं इतना होगा, इस तरह करते रह जाएगा। उससे बेहतर है कि आप तुरंत इक्वेशन बना लीजिए, हो सकता है कि संयोग बस आप एक ही बार में सोचे और वो सही हो जाए और फिर आप नाचने लगे, ऐसा नहीं। ठीक है, इतना आसान नहीं है, ऐसे ही सवाल थोड़ा सा बड़ा नंबर में दे दिया जाएगा तो फंस नहीं जाइएगा। ठीक है, इसीलिए एक बेसिक कंसेप्ट को समझ जाइए तो ऐसे सवाल कभी पूछे जाएंगे, कैसे भी पूछे जाएंगे आप बना लीजिएगा। ठीक है, मेरा सोच ये है। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले ऐसे सवाल में क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे कि जो सवाल है, हम मान लेते हैं कि गिलासों की जो संख्या है वो x गिलास है, यानी x की जगह पर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 20 से ज़्यादा तो नहीं होगा क्योंकि 20 बर्तन। हाँ, और यहाँ पर जो इस पहेली में तीनों बर्तन को शामिल करना है और तीनों को जब तक शामिल करेंगे नहीं तब तक रुपया खत्म भी नहीं होगा और 20 बर्तन पूरेगा भी नहीं, इस बात को भी ध्यान में आपको रखना है। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर कटोरियों की संख्या, चूंकि यहाँ पर 3 वेरिएबल आएगा तो कटोरियों की संख्या मान लेते हैं y, ओके। और चम्मचों की जो संख्या है, चम्मच की संख्या, चूंकि 20 बर्तन ही हमें खरीदना है, 20 बर्तन ही चाहिए, जिसमें से गिलास की संख्या x, कटोरी की संख्या y, तो यहाँ चम्मच का संख्या जो है 20 - x - y हो जाएगा, यानी दोनों का संख्या घटा देंगे तो वही चम्मच का संख्या होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर इक्वेशन बनाने का हम प्रयास करते हैं। चूंकि एक गिलास का दाम है 4 रुपया तो x गिलास का दाम कितना होगा, 4x रुपया, गुना करना पड़ेगा। जैसे कि एक पेन का दाम 5 रुपया तो 10 पेन का, तो 10 × 5 = 50, यानी 5 से गुना करना पड़ेगा। तो उसी तरह से यहाँ पर है 4 रुपया दाम है, x गिलास है, ठीक है, तो गुना कर देंगे तो टोटल रुपया यहाँ पर आ गया गिलास का, प्लस में साथ में आपको ये भी खरीदना है कटोरी भी ना, तो ऐसे कंडीशन में देखिए 50 पैसे, ये रुपया में है पैसे में नहीं, वेरिएबल सेम होना चाहिए, इक्वेशन अगर आप बना रहे हैं तो सब चीज़ें सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो पैसे को सबसे पहले आपको रुपया में कन्वर्ट करना होगा, तो 50 पैसे का मतलब हुआ 0.5 रुपया, 25 पैसे का मतलब हुआ 0.25 रुपया। ठीक है, क्योंकि भाई 1 रुपये में होता है 100 पैसा, तो 100 से डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ 0.25 आएगा और यहाँ इसको 100 से डिवाइड कीजिएगा तो 0.25 आएगा, सिंपल सी बात है। चलिए, अगर एक कटोरी का प्राइस है 0.5 रुपया तो गुना करेंगे वाई से, तो हो जाएगा यहाँ पर 0.5 वाई, प्लस में यहाँ पर भाई चम्मच भी मौजूद है और एक चम्मच का दाम इतना है, तो इसको इससे गुना करना पड़ेगा, यानी 0.25
गुना इससे करना पड़ेगा, यानी कि 20 माइनस एक्स माइनस वाई। जब तीनों का प्राइस जो है ऐड कर देंगे तो टोटल प्राइस कितना आना चाहिए, 20 रुपया आना चाहिए। सिंपल सी बात है, 20 रुपया हमको पूरा पूरी खर्च करना है कि नहीं। चलिए दोस्तों अब इसको यहां पर सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों तरफ जो है ना हम चार से गुना कर देंगे। चार से गुना करने का कारण है क्या होगा कि चार पचे 20 हो जाएगा तो दशमलव हट जाएगा, और यहाँ 25 चौक 100 हो जाएगा तो यहाँ भी दशमलव हट जाएगा। ठीक है, दशमलव हटा करके काम करेंगे तो अच्छा लगेगा। चलिए तो यहाँ चार चौके हो जाएगा 16x, प्लस में हो जाएगा चार पचे 20 यानी 2.0y हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 25 चौक 100 यानी 1.00, और यहाँ 20 माइनस एक्स माइनस वाई इसी तरह छोड़ देते हैं, और इस इधर भी चार से गुना होगा यानी 20 चौके 80 हो जाएगा। क्योंकि भाई इक्वेशन में ऐसा नहीं है एक ही देना, एक ही तरफ जो है सो आप गुना कर दिए दूसरा तरफ किए ही नहीं, इनबैलेंस हो जाएगा। फिर जैसे तराजू में एक के जी इधर भी चढ़ा हुआ है एक के जी इधर भी चढ़ा हुआ है तब तक बराबर है, अब फिर एक ही तरफ चढ़ाइएगा तो फिर ये ना हो जाएगा, इनबैलेंस नहीं हो जाएगा, ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए अब यहाँ दोस्तों यहाँ पर 16x प्लस में यहाँ पर क्या हो जाएगा 2y, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं, महत्व है लेकिन नहीं मानिए अभी। ठीक है, तो यहाँ पर 2y हो गया, प्लस में हो जाएगा यहाँ पर 1 को गुना इससे करेंगे तो वही चीज़ आएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 0 इससे क्या मतलब है कि नहीं। तो यहाँ 20 माइनस में एक्स माइनस में वाई बराबर में क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ 16x है, 16x और यहाँ पर माइनस एक्स है, यानी 16x में से एक एक्स चला जाएगा तो बचेगा 15x, 2y में से एक वाई चला जाएगा तो बचेगा वाई, है कि नहीं। और इस प्लस 20 को उधर ले जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 80, और प्लस 20 उधर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, साइन चेंज हो जाता है। बराबर के इधर उधर हम करते हैं संख्याओं को तो साइन में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 15x प्लस में वाई बराबर में 80 में से 20 गया तो कितना बचा, 60 बचा। अब दोस्तों ये जो इक्वेशन बना है ना इसी से आपका काम हो जाएगा, एक इक्वेशन आपको मिल गया इसी से आपका काम खलास, आपका नहीं ठीक है क्वेश्चन का। चलिए दोस्तों अब यहाँ पर देखिए कैसे होगा, कैसे यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे कि भाई कितना गिलास कितना कटोरी कितना चम्मच यहाँ हमको लेना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर जो है ना एक का मान अपने से रखना है, दूसरा का मान अपने निकलेगा। जैसे वाई का मान रखते जाइए तो एक्स का मान अपने आप निकलेगा, या फिर एक्स का ही मान रखिए वाई का अपने आप निकलेगा, आपकी इच्छा जैसा करना चाहें। दोस्तों अगर मान के चलिए एक्स का मान आप 1 रखेंगे, एक्स का मान 1 रखेंगे तो 1 को गुना अगर आप 15 से करेंगे तो 15 होगा, वैसे कंडीशन में यहाँ प्लस वाई हो जाएगा, बराबर में यहाँ 60 हो जाएगा, और जब वाई का वैल्यू निकालिएगा तो 15 उधर माइनस में इधर प्लस में इधर माइनस में चलाएगा यानी 45 आएगा, वाई का वैल्यू 45। और वाई क्या माने हम, कटोरी की संख्या वाई माने हैं, तो 45 कटोरी हमको नहीं चाहिए, हमको 20 ही बर्तन चाहिए भाई, 45 कटोरी लेके क्या करेंगे, फिर गड़बड़ हो जाएगा। इसका मतलब कि हमको एक्स का मान 1 नहीं लेना है। चलिए एक्स का मान हम 2 पर देखते हैं, अगर 2 लेंगे एक्स का मान तो एक्स और 15 तो गुना में है तो 15 दूनी 30 हो जाएगा, और 30 अगर उधर जाएगा, चलिए यहाँ पर बना के एक बार और दिखाई देते हैं। तो यहाँ 15 और x के जगह पर हम 2 लिए तो 15 दूनी यहाँ पर क्या हो गया 30 हो गया, प्लस में y बराबर में क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, तो y बराबर में 60 में से 30 घट जाएगा तो 30 बचेगा, यानी अभी भी जो है कटोरी की संख्या यानी y का वैल्यू 30 आ रहा है जो कि हमको नहीं लेना है। चलिए हम 3 लेके देखते हैं, x का वैल्यू 2 भी लेने से काम नहीं चल रहा है, चलिए अब हम x का वैल्यू कितना लेंगे 3 लेंगे। अगर 3 लेते हैं तो 15 तिया कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा दोस्तों y बराबर में 60। देखिए हम यहाँ पर ले बता रहे हैं, हमको पता है कि कितना लेना है कैसे आएगा तुरंत, और आप भी शायद जानते होंगे लेकिन जो लोग कमजोर है थोड़ा समझ जाए इसीलिए ऐसा करके बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये यह हो गया y का वैल्यू जब निकालेंगे दोस्तों तो 60 में से 45 घट जाएगा, यानी कि 60 इधर प्लस में इधर माइनस चला जाएगा तो 45 हो जाएगा, तो y का वैल्यू कितना आएगा 15। हाँ, y का मान अगर 15 आया मतलब कि हम 15 कटोरी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर x का वैल्यू जब हम 3 रखें तो y का वैल्यू कितना हमको प्राप्त हुआ 15, तो मामला ठीक ठाक लग रहा है। ठीक है, अगर आप x का वैल्यू 4 एक बार 4 सोच के देखिए, 4 अगर रखेगा तो क्या होगा, अगर x का वैल्यू 4 रखेगा तो 15 चौके कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, तो y का वैल्यू 0 यानी y कुछ लेना ही नहीं पड़े, तो ऐसे में भी गड़बड़ है नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसका मतलब एक ही वैल्यू हम यहाँ पर x इज इक्वल टू 3 लेंगे तभी तीनों बर्तन खरीदा पाएगा। ठीक है, समझ आ रही है ना। चलिए दोस्तों अब यहाँ पर देखिए x का वैल्यू जब हम 3 लिए इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये x का वैल्यू 4 ये 2 ये 1 ये सब कहानी छोड़िए, लंबा प्रक्रिया। ठीक है, जब हम x का वैल्यू जब रखें कितना 3 रखें तब जाकर के y का वैल्यू 15 प्राप्त हुआ। इसका मतलब यहाँ गिलास जो है गिलास हमको चाहिए 3। ठीक है, x का वैल्यू 3 मतलब गिलास 3 रहेगा
वाई 15 यानी कि कटोरी 15, तो 15 तीन 18 हो गया और दो चम्मच लेंगे हो गया 20। तो देखिए 20 बर्तन हुआ। अब देखिए कि भाई अगर इस तरह से हम 20 बर्तन पुराते हैं तो क्या पैसा पूरा पूरी खत्म होता है कि नहीं, कहीं गड़बड़ा तो नहीं रहा है? नहीं गड़बड़ाएगा। जैसे यहाँ तीन गिलास है तो तीन गुने, चूंकि यहाँ 4 रुपये के हिसाब से तो 4 या 12 रुपये इसका हो गया। यहाँ देखिए 15 कटोरी है, ठीक है, तो 15 गुना 0.5 रुपया है यानी आधा रुपया, तो यहाँ पर 7.5 रुपया तो आपका ये हो गया किसका, कटोरी का। चम्मच का यहाँ पर 2 है, 2 चम्मच है, 2 गुना यहाँ 0.25 होगा, तो जब गुना करेंगे 0.5 आएगा। अब यहाँ पर देखिए जितना रुपया आपको खर्च हुआ है 12, 7, 19 और आधा यानी 20 रुपया पूरा पूरी आएगा जोड़ने पर। तो देखिए यहाँ 20 बर्तन भी हो गया और 20 रुपया पूरा पूरी खर्च हो गया। तो बस यही पहेली था और ऐसे ही आपको सॉल्व करना था। हालांकि ये इजी था, यहाँ पर संख्या 20 रुपया 20 बर्तन दिया हुआ था, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए 100 रुपया में 100 बर्तन खरीदना है, तब 500 रुपये में 500 बर्तन खरीदना है, तब क्या करेंगे? तो यही इक्वेशन का आपको सहारा लेना पड़ेगा, नहीं तो बड़ी संख्या रहेगी तो आप बहुत बार सोचते रह जाएंगे, ठीक है, जो कि अच्छी बात नहीं है अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो, ठीक है। एकदम सिंपल तरीका से मैंने समझाने का प्रयास किया है। अगर नहीं समझ में आया है कि कैसे 3 गिलास 15 कटोरी और 2 चम्मच आया है और कैसे यहाँ पर हो गया 20 रुपये, वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिए, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। समझ आ गया ना, 20 बर्तन भी हो गया और 20 रुपये भी पूरा पूरी खर्च हो गया, पहली हो गया समाप्त। समझ में आया मुनिका? समझ गई ना? ठीक है, एक बार और वीडियो देख लेना, पूरा समझ जाएगी, ठीक है। चलिए दोस्तों आज के लिए, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।